तो मान लो आपके हाथ में 3 दिन है। अब उस 3 दिन में आपको अपने क्लाइंट के लिए एक वेडिंग शूट प्रॉपरली कवर करनी है, जिसके अंदर आपको उसके लिए व्लॉग्स बनाना है, आपको रील्स बनाना है और आपको उनके इंस्टाग्राम पेज को पूरी तरीके से हैंडल करना है। और इसी के साथ साथ आपको अचानक से याद आता है कि यार आप एक यूट्यूबर, एक कॉन्टेंट क्रिएटर भी हो, तो आपको अपने लिए भी कॉन्टेंट बनाना है, क्योंकि इंडिया में जब शादी होती है उससे बेटर कॉन्टेंट शायद ही कहीं पूरी दुनिया में बना है। तो इतना सब कुछ जब एक साथ आपके पास आ जाता है और आपके पास सिर्फ 72 आवर्स होते हैं, तो ये टाइम में आप कैसे करोगे, क्या करोगे? सुनने में बड़ा मजा आता है कि हाँ यार आउट ऑफ मुंबई कहीं अपन शूट करने गया था, बहुत मजे किए होंगे। हाँ वो तो एक पार्ट है, लेकिन ये जितना इजी लगता है ये उतना इजी है नहीं। लेट मी टेल यू व्हाई। सो यूजुअली व्हेनेवर आई गो टू एनी वेडिंग्स फॉर शूट्स और एनीथिंग, तो मेरी इस वेडिंग स्टोरी की शुरुआत होती है ऑन 4th June 2022 at 7:45 in the morning, इतनी सुबह। So hey guys, good morning. It is 7:45 right now and इतना जल्दी आज मैं इसलिए उठा हूँ because I'm traveling और मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ सूरत में। वहाँ पे एक शादी है और वहाँ पे एक कंपनी के लिए मेरे को एक BTS व्लॉग बनाना है। ऐसा सेम व्लॉग मैंने आज से 6 महीने पहले भी बनाया था एंड अभी वापस जा रहा हूँ। अब की बार थोड़ी लंबी ट्रिप है बिकॉज लास्ट टाइम इट वॉज वापी और मतलब 2-3 दिन में हो गया था। अब की बार प्रॉपर 4 दिन का बड़ा ट्रिप है, तो वेरी एक्साइटेड। एंड अभी सबसे पहले तो मेरे को अपना पूरा जो हुलिया है वो अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज शादी में जा रहा है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है। एंड मेरे को पैकिंग करना है, पैकिंग नहीं किया है, अब से 3 घंटे में मेरे को निकलना है। तो अभी सुबह का सारा मॉर्निंग रूटीन करके आई लेफ्ट टू कैच माय ट्रेन, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी वाली आदत है कि मैं ट्रेन जब भी होती है मेरी उसके चंद मिनटों पहले मैं स्टेशन पहुंचता हूँ। और एक दो बार तो मेरी ट्रेन मिस भी हो चुकी है, बट तो अब की बार बस एक ही था कि मुझे ट्रेन नहीं मिस करनी है, क्योंकि ट्रेन मिस कर ली तो भाई खत्म, व्लॉग नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, पैसे गए पानी में। तो नहीं, आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर सूरत एंड जैसा आप देख सकते हो हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरा सब इक्विपमेंट, सामान वगैरह सब ये एक बैग के अंदर ही मैंने ले लिया है। और एक चीज़ है जो मैं ऐसा दिल से दुआ कर रहा हूँ कि सूरत में वेदर अच्छा हो। वेदर सूरत में, और वो भी अच्छा। तो ये जो मेरी पूरी जर्नी थी वो स्टार्ट हुई फ्रॉम दादर स्टेशन एंड इट एंडेड एट सूरत स्टेशन। और ये जो पूरी जर्नी थी इसके अंदर आई मेट ऑलमोस्ट 20-25 न्यू पीपल जिनको मैं कभी लाइफ में नहीं मिला हूँ। एंड ऐसे नए लोग को जब आप मिलते हो किसी ट्रिप पर, वो भी आपका वर्क ट्रिप हो, तो भाई जिंदगी में इससे बेटर क्या ही हो सकता है, क्योंकि दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई एम लिविंग फॉर और मुझे जिंदगी भर यही करना है। तो खैर जो भी है, हम पहुंचे सूरत एट 5:40 के आसपास और मुझे लगा कि भाई जैसे ही हम बाहर उतरेंगे, क्योंकि देखो हमारी AC ट्रेन थी तो ट्रेन में तो ऐसा वेदर का बाहर का क्या है समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि जैसे मैं बाहर उतरूंगा तो थोड़ी हवा आ जाए और वेदर शायद अच्छा हो, क्योंकि सूरत है, शायद बारिश का मौसम चालू हो गया हो, जून का महीना है। लेकिन जैसे ही मैंने पैर बाहर रखा स्टेशन के ऊपर, इट वॉज हॉट, वेरी वेरी हॉट, लगभग 40 डिग्री थे 5-5:30 बजे। और इतनी गर्मी थी कि भैया मुझे बस एक ही चीज़ का टेंशन था कि अगर कल और परसों भी इतनी ही गर्मी हुई तो मैं जो पूरा वेन्यू है वहाँ पे शूट करूँगा कैसे, क्योंकि मुझे इतना सब कुछ शूट करना है और इतनी कड़क धूप में कैसे होगा, कैसे। तो अभी खान पान करके वी लेफ्ट फॉर आवर होटल जो सूरत से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि जो मेन वेन्यू था वो भी इतना ज्यादा दूर था। जैसे हम होटल पहुंचे, इट वॉज अ वेरी वैसे होटल थी कि मतलब देख के बाहर से बड़ी अच्छी लगी मुझे, ऐसा लगा कि भाई पूरा गोवा में आ चुका हूं मैं, लेकिन नहीं जमता है भाई। सो आई हैव रीच्ड एट सूरत एंड चेक्ड इनटू माय होटल और यहाँ पे मेरे को व्लॉग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बट एक चीज़ है, सूरत इज़ वेरी हॉट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हॉट। एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, याहू एडवेंचर्स या समथिंग, और इट्स अ प्रीटी गुड होटल, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा बट इट इज़ प्रीटी डिसेंट, जो मैंने सोचा था उससे तो बेटर है। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे थोड़े बाथरूम्स गंदे हैं एंड मेरे को पर्सनली बाथरूम्स थोड़े अच्छे चाहिए बिकॉज हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब मैं इतनी गर्मी की बातें कर ही रहा हूँ, लेट मी टेल यू कि सूरत में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिली। इतनी ह्यूमिडिटी जब होती है ना तो आपके फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फेस और हाथ पैर का तो चलो आप पसीना साफ कर सकते हो, लेकिन अपने पर्सनल हाइजीन का कोई लड़का इतना ध्यान नहीं रखता है, बट प्लीज़ वहाँ का ध्यान भी रखो। एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस स्किन एलिमेंट्स मेंस इंटीमेट वॉश। एज अ गाय लेट मी शेयर this one thing with you, कि जब आपको आपके intimate parts पे बहुत ज़्यादा rashes और बहुत ज़्यादा sweating होती है,
ट्रस्ट मी दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर, बिकॉज उसकी वजह से ना आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है एंड यू कैनॉट फोकस ऑन योर वर्क। एंड भाई मैं तो शूट में गया था जहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी, चलो बारिश वगैरह भी आ जाए ना तो आपके इंटीमेट पार्ट्स पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बन सकता है, उस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। एंड नाउ द मेन रीजन वाई आई यूज स्किन एलिमेंट का इंटीमेट वॉश इज बिकॉज स्किन एलिमेंट्स इंटीमेट वॉश फॉर मेन इज अ जेंटल एंड इफेक्टिव क्लेंजिंग वॉश ऑफ द मैस्कुलिन इंटीमेट एरिया एंड इट इज मेड अप ऑफ 100% टी ट्री ऑयल विच इज नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इफेक्ट्स। दिस स्किन एलिमेंट्स इंटीमेट वॉश विल नॉट ओनली रिमूव ऑल द फाउल ऑर्डर फ्रॉम योर इंटीमेट एरियाज बट इट विल ऑल्सो कीप द जेनिटल एंड द थाई स्किन स्मूथ। सो इफ यू आर अ मैन हु टेक्स केयर ऑफ हिज पर्सनल हाइजीन टू सम नेक्स्ट लेवल देन आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज दिस स्किन एलिमेंट्स मेन इंटीमेट वॉश। इट कम्स इन अ वेरी यूनिक पैकेजिंग एंड यू कैन कैरी इट एनीवेयर यू गो बिकॉज ऑफ इट्स साइज। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ट्रैवल मेक श्योर टू कैरी दिस विद यू बिकॉज पर्सनल हाइजीन फॉर एवरी मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना ही था डे वन का जहां पे मैंने ज्यादा कुछ शूट किया नहीं क्योंकि जो मेन वेडिंग थी वो डे टू से चालू होने वाली थी और जो टेक्निकली डे वन था ऑफ द वेडिंग। तो अभी सीधा सेकंड डे पे स्किप करते हैं जहां सुबह 7 बजे रेडी वेडी होके ब्लैक कलर का कुर्ता पहन के एकदम अच्छा सा बंदा दिख के मैं निकल गया एट द लोकेशन जहां शादी होने वाली थी। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ द डे 1 or 2, आई डोंट नो, टेक्निकली 2 बट फंक्शन का डे 1 है। द क्लाइमेट राइट नाउ इज़ प्रीटी गुड एंड दिस इज द एंटायर टीम ओवर हियर, नॉट एंटायर लाइक आधा टीम है भाई। क्या मस्त लग रहे हो तुम लोग सब, पता है एकदम सब एक जैसे। एंड मैं भी थोड़ा ट्विनिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ। नाइस वेदर यार, वेरी नाइस वेदर बट बहुत गर्मी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। So this is the location where we are going to shoot today. Although Silvassa का जो होटल था वो बहुत बड़ा था, ये बहुत छोटा होटल है एंड यहाँ पे फंक्शन भी इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन वाइब यहाँ पे भी है एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पे इतना गर्म होने वाला है बिकॉज पूरा ऐसा कवर्ड है। बट पूल वगैरह देख के मेरे को बड़ा मन कर रहा है कि यू नो मैं चले जाऊँ, बड़ा मन कर रहा है। तो अभी ताज़ा अपडेट ये है कि वी आर डन विद आर ब्रेकफेस्ट एंड इट इज़ 9:40 एंड आई कैन फील द हीट। मुझे एक चीज़ पता है, आज मैं रोस्ट होने वाला हूँ, फ्राई हो जाना पूरा। बट आई रियली लाइक द लोकेशन, इट इज़ नॉट एज बिग एज जो मैं लास्ट वेडिंग में गया था बट इट इज़ वेरी बिग एज यू कैन सी। ये पीछे वाला पार्ट है और यहाँ पे सब फंक्शंस बाद में होने वाले हैं एंड यहाँ पे अभी पूरा संगीत वगैरह का तैयारी चालू है, ट्रक्स वगैरह आ चुके हैं एंड आई हैव अ लॉट टू शूट एंड दिस हीट इज गोइंग टू किल मी मैन। डे वन पर मुझे इतना ज्यादा काम नहीं था बिकॉज उस दिन खाली एक मेन फंक्शन था दैट वॉज संगीत जो ऑब्वियसली शाम के टाइम होने वाला है, लेकिन उसके पहले सब छोटे मोटे फंक्शन थे तो जिसका मैंने शूट वगैरह किया, फिर अपना लंच वगैरह किया क्योंकि यार शादी में खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट इज 4:30 इन द इवनिंग एंड अभी ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हो चुके हैं, 2-3 हो गए, एक्चुअली 2 हो गए हैं एंड अभी लास्ट फंक्शन बचा है वो है संगीत विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि संगीत होता है तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी बहन की भी जब शादी थी तो आई हैड डांस एंड संगीत एक ऐसा मेरे को फंक्शन लगता है इन द इंडियन वेडिंग, यू जस्ट गो इन सम अदर जोन एंड यू फॉरगेट ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एंड अगला फंक्शन हुआ है तो मेरे को क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बिकॉज आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, सो दैट्स व्हाई ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, ये पी के अपने को फिर जाना है और सब शूट करना है। दिस इज द सेटअप फॉर द संगीत जो भी हो रहा है और यहाँ पे एक लाइव प्रिंटर वाला कुछ तो है, तुम फोटो खींचो और ऑन द स्पॉट आपको फोटो मिलेगा, जो इंस्टा कैम होता है बेसिकली दैट थिंग बट इन अ वेडिंग। तो मैं भी ट्राई तो करूँगा यार, अपने को भी एक अच्छी फोटो चाहिए विद अ कैमरा। निशा तू क्या पी रही है, दिखा। ये बंदी पी रही है क्या है, दिखा कॉफी जिसके अंदर मिट्टी डाली है तूने, इतनी भयात कॉफी, इतनी गंदी कॉफी, वो देख के मुझे बुरा लग रहा है। जमीन से जुड़ी हुई कॉफी थी भाई, वो जमीन से जुड़ी हुई कॉफी, इतना अच्छा लेके आया वो अभी। अरे इलायची वाली कॉफी, इलायची वाली। ओहो हो हो हो, नाइस, वेरी नाइस। दिस इज प्रोबब्ली द थर्ड और द सेकंड बेस्ट सेटअप आई वुड से फॉर संगीत। तो अब इसके बाद सन सेट हो गया, प्रॉपर संगीत का सेटअप लग गया। मैंने सोचा था कि मैं अपने इस चैनल के लिए भी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करूंगा लेकिन मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था, और जब आप एक क्लाइंट के शादी के लिए जा रहे हो तो क्लाइंट का प्रायोरिटी पहले आता है, तो मैंने उनके लिए बहुत कुछ शूट किया, एक दो शॉर्ट्स मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स मिले मेरे को बिकॉज द संगीत सेटअप वॉज वे टू गुड एंड स्पेशली द स्टार्टिंग एक्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि मतलब क्या बताओ यार। देखो आप, थोड़ी सा ग्लिम्प्स दे देता हूँ आपको। Yeah.
अब बात करते हैं अबाउट डेट टू, दैट इज 6th June 2022. सो इट्स द डे टू एंड द लास्ट डे ऑफ दिस वेडिंग एंड पता नहीं क्या हो रहा है बट मेरे गले में मेरे को बहुत खराश टाइप्स लग रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द फूड और द वेदर, आई डोंट नो वॉट. बट कल रात को मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया. आई वॉन्ट टू व्लॉग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई एम नॉट एबल टू बिकॉज मुझे यार टाइम ही नहीं मिल रहा है. बेसिकली मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ एंड जैसा आपने देखा कल रात को संगीत जो था, इट वॉज आई फील वन ऑफ द बेस्ट संगीत आई हैव एवर सीन. मैंने बहुत सारे संगीत अटेंड किए बट जो कल वाला था भाई, क्या डांसेस हुए, क्या मतलब पूरा SFX वगैरह विजुअल वगैरह जो भी था, इट वॉज टू गुड एंड नाउ आई फील वेरी स्लीपी. सो आई एम टेकिंग अ टाइम लैप्स ओवर हियर. वहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये जो धूप है ये धीरे धीरे ना अभी पीछे जाएगी. तो एक आधे घंटे का मैंने कैमरा रखा है पूरा टाइम लैप्स लेने के लिए और ये जो यहाँ पे है ना ये पूरा वहाँ तक जाएगा और मेरे कैमरा में भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा. सो वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर एवरीबडी हु लव्स टू शूट, अगर आप एक व्लॉग या फिर एक फिल्म बना रहे हो ना टाइम लैप्सेस रखो बिकॉज यू कैन यूज़ देम एनीवेयर. अगर आपको दो फुटेजेस के बीच में एक फिलर चाहिए तो टाइम लैप्स काम आता है. अगर आपको एक नया दिन चालू करना है तो टाइम लैप्स काम आता है. बिकॉज आज का जो व्लॉग है ये पार्ट टू होने वाला है, ये जो शादी का जो व्लॉग है, तो इसके लिए मैं इसको स्टार्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ टाइम लैप्स एंड इट विल लुक गुड. तो यूजुअली एक इंडियन वेडिंग में क्या होता है, संगीत, हल्दी, फिर मेहंदी और फिर शादी, ये सब जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं यही होता है. लेकिन इस पर्टिकुलर शादी में ना एक अलग इवेंट था, हल्दी नहीं थी बट उसके जगह पर एक कार्निवल करके एक इवेंट था. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 11 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी कार्निवल करके एक फंक्शन है वो चालू होने वाला है एंड ये मेरा मेरे को लग रहा है ये बड़ा मजा आने वाला है मेरे को बिकॉज यहाँ पे होने वाले अलग अलग गेम्स. जैसा आप देख सकते हो सब अलग अलग यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं एंड ईच स्टॉल हैज़ अ डिफरेंट गेम विच वी नॉट वी बट द गेस्ट आर गोइंग टू प्ले बट देन आई विल ट्राई. एंड मेरा फेवरेट है ना ये गोल्फ का है तो थोड़ा बहुत अपन भी खेल ही लेंगे बिकॉज वाई नॉट. This is basically a concentration game. Last हमने power का देखा था, अभी mental power का देखते हैं. ये लेके पूरा end तक लेके जाना है. मुझे नहीं लग रहा होगा पर let's go. ठीक है start. लग रहा ना? चलो अमन भाई का चिट्ठी उठाओ. अभी दिन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स गो टू द कार्निवल इवेंट वंस अगेन. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ इस पूरे इवेंट के बीच में. तो कैसा सीन था, अगर आप ये फुटेज देखो यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड का एंट्री हो रहा था एंड आई वाज शूटिंग, तो मैं उनके सामने खड़ा था और फिर बाजू से फायरवर्क्स चालू हुआ. तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है मैं अपने फ़ोन और अपने कैमरा दोनों से साइमल्टेनियसली कर लूँगा पकड़ के. बट प्रॉब्लम अब सुनो क्या होता है, कैमरा का तो चलो ठीक है अच्छा खासा शूट हो गया बट मैंने फ़ोन को है ना ऐसे पकड़ा था, ठीक है ऐसे फ़ोन को पकड़ा था एंड एक वो जो फायरवर्क का एक तिनका होता है ना फायर का, वो आके मेरे फ़ोन के सेंसर पे लग गया, ठीक है. एंड आई डिड नॉट रियलाइज बट 2-3 सेकंड के बाद मैंने देखा कुछ तो मेरे फ़ोन पे है, तो मैंने ऐसे झटका मेरे फ़ोन को और वो जो फायर का बॉल था वो निकल के गिर गया एंड व्हाट आई सी इज़ मेरा जो स्क्रीन गार्ड था उस पर खड्डा हो गया था. तो मेरा फेस आईडी काम करना बंद कर दिया और मेरा जो टच है ना एकदम हार्ड हो गया. तो मेरी फटी के भाई डिस्प्ले गया, अभी अपने को गंदा नुकसान होने वाला है एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड. मैं बोला सब बटाओ, बाजू में जाके बैठा, वो स्क्रीन गार्ड निकाला एंड आई चेक, मेरा जो डिस्प्ले है वो ख़राब नहीं हुआ, लकीली बच गया. अगर मैं 5 सेकंड और रहने देता ना तो शायद वो जो फायर इतना गर्म था वो शायद मेरे डिस्प्ले के अंदर चले जाता और पूरा फ़ोन मेरा बिगड़ जाता ऑन द स्पॉट. मतलब ऐसा हादसे होते होते बच गया और अभी आगे से याद रखूंगा, ध्यान रखूंगा. सो इट्स ऑलमोस्ट 6:05 इन द इवनिंग और धूप इतना कड़क है अभी भी, मतलब 6 बजे इतना कड़क धूप अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है. सो करंटली आई एम टेकिंग अ टाइम लैप्स ऑफ ऑल द सेटअप दैट इज गोइंग टू हैपन एंड अभी जो होने वाला है लास्ट इवेंट दैट इज द शादी, ये भी मेरे को मज़ा आता है. और ये डेकोर देखो यार क्या डेकोर बना है, पूरा पिंक कलर का बना है. तो ये वाला जो पूरा सेटअप हो रहा है इज़ बेसिकली फॉर द वरमाला एंड वरमाला इज़ गोइंग टू बी मैसिव. अभी मेरा बात हुआ जो हमारे इवेंट के जो फाउंडर्स हैं उनसे बात हुआ एंड दे टोल्ड मी कि वरमाला इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, प्रॉपर फायरवर्क्स होने वाला है. ऑल्दो मेरी बहुत फट रही है फायरवर्क से क्योंकि सुबह जो मेरा फ़ोन का लफड़ा हुआ ये कैमरा के साथ नहीं होना चाहिए,
वाट लग जाएगी, बट अदर देन दिस व्हेन आई एम व्लॉगिंग इन सच वेडिंग्स एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी, तो मुझे बंद कर देना चाहिए। तो अभी जो है सनसेट हो चुका था, बारात आ चुकी थी, और ये जो बारात थी ना, ये मेरे को पर्सनली इतनी अच्छी बारात लगी क्योंकि यहाँ पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा था, मेरे को मन करा था कैमरा रख दो बाजू में, भाई मैं भी जाके नाचू। एंड उसके बाद एंट्री हुई ग्रूम और ब्राइड की, और फिर हुआ वरमाला, और ये जो पूरा था, ये जो एंट्री था, ये जो पूरा सिनेरियो बनाया था, फिल्म से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो वेडिंग मेरा जॉनर नहीं है, दैट आई वांट टू कंटिन्यू इन लाइफ ओनली डूइंग वेडिंग शूट्स, बट कभी कभी वेडिंग भी कर लेने का, क्योंकि ये जो पूरा वेडिंग हुआ है ना, ये वेडिंग शूट करते टाइम ही मेरे को एक इतना अच्छा फिल्म का आइडिया आया है विच आई विल बी मेकिंग वेरी सून, तो वो फिल्म के लिए थोड़ा वेट करो, बट ऐसे वेडिंग्स में मैं अभी जाते रहूंगा। एंड अगर आपको इस व्लॉग में कोई भी पार्ट अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।